बीएसपी को तो मैं कहता हूँ उसी दिन बीएसपी समाप्त हो गया। एक बार काशी राम जी कहा करते थे, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार। लेकिन जिस दिन नारा लग गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसी दिन समाप्त हो गया ये। हम इसलिए हम लोगों को अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लोहिया कर्पूरी के विचारों को, पेरियार को अगर बचाना है, उसके विचार को, ललित सिंह यादव को, तो हम सब लोगों को मिलकर के वैचारिक संघर्ष को उतारना होगा। यही आज का जरूरी डिमांड है। इतना ही के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आयोजकों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ और पुनः शरद जी के प्रति नतमस्तक होकर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। देश की जो हालात हैं आज, अब कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची है, चाहे सीबीसी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, कैग हो, कोर्ट हो, सबके रीढ़ कमजोर हो गए हैं। इस परिस्थिति में संविधान कैसे बचेगा? दूसरी ओर जो पिछले 5 राज्यों का चुनाव हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए आज जो निर्णय है, ऐतिहासिक फैसला हुआ है शरद जी का, हम उनको अपनी ओर से बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए देते हैं कि सही समय पर सही निर्णय आपने लिया है और स्वस्थ हुए हैं, इसके लिए उनको हम सब लोगों की इच्छा है कि दीर्घायु हो। और ये जो कारवां आज बन रहा है, इस कारवां को मजबूती से आगे बढ़ावें। देश की सारी विपक्षी पार्टियों को, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, जो पेरियार के विचारों से विश्वास रखता है, जो साहू जी महाराज में विश्वास रखता है, ललित सिंह यादव में विश्वास रखता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर्पूरी और लोहिया में विश्वास रखता है, ऐसे लोगों को संगठित करके आज संघर्ष में ले जाने का समय है। अब विधानसभा और लोकसभा का कोई माने मतलब नहीं इस अभी के सत्ताधारी दलों ने रखा है। अगर सत्ता में परिवर्तन करना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमको रोड पर जाना होगा और वैचारिक विचार का लड़ाई संघर्ष तेज करना होगा। यही हमारा सहारा होगा, नहीं तो ये जो सत्ताधारी दल है उसका चमक दमक है, लोभ है, पैसा है, धमकी है, और ये और तो और धमकी के डर से यूपी में देखा ना, बीएसपी कहाँ चली गई। शपथ खाया हो कि हम देश की एकता और अखंडता को हम सुरक्षित रखेंगे, वैसा काम करें जो देश में विभाजन पैदा करे, वैसा काम करें जिससे देश की एकता और अखंडता जो है टूटती हो, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की। इसी के बारे में याद आता है कभी कभी इनका, क्या नाम है अटल जी का, कि ये राजधर्म नहीं है। हमारे यहाँ राजधर्म क्या कहलाता है अगर पढ़िएगा तो आश्चर्य लगेगा। हालांकि अटल जी भी जाने बहुत बड़े नेता थे, लेकिन थोड़ा सा ढील ढोल वाला मामला था। जब वह गोवा में या बम्बई में गए तो वहाँ कह दिया उन्होंने कि एक एक्शन का रिएक्शन होता है, ये उन्होंने कह दिया था एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये स्थिति रही है आज जो यहाँ काबिज है, ये डर वाली बात है। इमरजेंसी लगी थी देश में, इमरजेंसी में डर नहीं लगता था, इमरजेंसी में जो संवैधानिक प्रावधान था गलत ढंग से इंदिरा गांधी ने उसका इस्तेमाल किया था, गलत ढंग से इस्तेमाल किया था, लेकिन संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल किया था, बजाबता सेंसरशिप लगाया था,
सेंसरशिप लगाया था तब खत्म किया था, तो आज उससे खराब स्थिति है। एक भय का वातावरण जो है देश में बना हुआ है, लोग डरते हैं कुछ बोलने में, अखबार में लिखने में। आज तो आप गीत बनाइए, नाटक खेलिए, अब जो है कार्टून बनाइए, एक एक चीज में आपको डर लगता है। और अभी जो एक सिनेमा का प्रचार हो रहा है बाप रे बाप, उसका जो हमने वीडियो देखा, डर लगता है, डरावना है। देश में क्या होगा कल? तो क्या ये साजिश तो नहीं है कि देश में हम गृह युद्ध करा करके पूरे डेमोक्रेसी को खत्म करके हम उस तरह से देश में तानाताव बन जाएं? इस दिशा में ये कोशिश तो नहीं हो रही है, जानबूझकर ये कोशिश तो नहीं हो रही है? ये चिंता की बात है। कांग्रेस पार्टी को भी सोचना पड़ेगा, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी शासन में रही है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। लेकिन अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आवाज उठाई है और बातचीत हो रही है। हम चाहेंगे, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से सवाल पूछा जाता है, भाई कांग्रेस पार्टी के साथ आपका क्या रुख है? कोई रुख नहीं, हम क्यों कांग्रेस पार्टी के विरोधी नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी की ताकत को जानते हैं, देश के अंदर उनका जो छाप है उसको भी पहचानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी पहचानना होगा कि बिहार में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, बंगाल में क्या है, ये उनको भी समझना पड़ेगा। और पिछली दफा आपने जिस ढंग से हाथ प्रोड़ करके 70 सीट हमसे ले लिया, अगर आप 50 सीट पर लड़े होते तो 150 सीट मुख्यमंत्री के रूप में आ करके मैंने शरद जी का स्वागत करते पार्टी में, ये स्थिति थी। तो ये कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। अभी हम चिदम्बरम साहब का सुन रहे थे 2-3 दिन पहले भाषण, उन्होंने कहा कि फलाने जगह तो साथ में लड़ेंगे, बंगाल में हम क्या नाम है ममता बनर्जी के साथ लड़ेंगे, तमिलनाडु में साथ लड़ेंगे, तो कितना लड़ेंगे भी तो सवाल है। वहाँ तो आप है ही नहीं, वहाँ भी कहिएगा कि नहीं हमको 20-20 सीट चाहिए, तमिलनाडु में भी कहिएगा कि हमको 25-20 सीट चाहिए। ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आज जो है देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और हमको लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ, सब लोग मैंने अम्बेडकर और दूसरे, हम गांधी को मानने वाले लोग, और हमको ये दिखाई देता है कि इस देश को गांधी ने जितना अच्छी तरह से पहचाना था, इस देश की समस्या को पहचाना था, किसी ने नहीं पहचाना था। बेरोजगारी का सवाल है, आप कहाँ से काम दीजिएगा भाई? आपका एक मोबाइल फोन, आपसे पूछा जाए कि आप बैंक कितना दिन पहले गए थे, आपको याद नहीं होगा, मोबाइल से ही सब कुछ हो रहा है, बैंक में आदमी की क्या जरूरत रही? आप रिचार्ज कराने के लिए कूपन वाले के यहाँ जाते थे, आज टेलीफोन से आप बैठे बैठे रिचार्ज करा रहे हैं। अब ड्रोन आ गया है, जमोटा तमोटा वाले को पहुंचाएगा, वही ड्राइवर के बगैर गाड़ी चलेगी, कहाँ से रोजगार दीजिएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है, खेती और रोजगार, इसको आप कैसे बेहतर बनाइएगा? विकास का जो ये ढांचा है, जिस रास्ते पर देश चल रहा है, उस रास्ते पर समाधान ही नहीं है कहीं से दिखाई देगा। ये रास्ता ऐसा है जो काम जिनके हाथ में है उससे काम छीनता है, काम पर लगाता नहीं है, काम छीनता है। इसलिए एक नए सिरे से विचार करना होगा कि ये जो चुनौती है देश में गरीबी, इतनी भयानक गैर बराबरी, दुनिया के इतिहास में कभी इतनी बड़ी गैर बराबरी जो है नहीं देखी गई। गांधी जी जब दांडी मार्च कर रहे थे, उस समय वाइस राय को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी पढ़िए, सबसे पहला देश में किसी ने गैर बराबरी के सवाल को गंभीरता के साथ उठाया, उसका नाम था महात्मा गांधी। उस चिट्ठी को पढ़िए, किस तरह से वाइस राय, किस तरह का हिंदुस्तान का आम आदमी, आज यही हालत है। एक तरफ देश की जनता गरीब हो रही है और दूसरे तरफ अडानी और मुकेश की संपत्ति जो है बढ़ती जा रही है, कैसे हो रहा है भाई? इसलिए साथियों, ये जरूरत है हम सब लोग सोचें, हम लोग सब लोग विचार करें, बहुत बड़ा सपना पालने की जरूरत नहीं है। हम आप जो जहां हैं, 10 आदमी को जोड़िए, 20 आदमी को जोड़िए, आवाज उठाइए, जो गलत ढंग से अफवाह फैलाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को एक कर रहे हैं, क्यों नहीं? हम लोग, हमको याद है, मैंने कलकत्ता में जब दंगा हो रहा था, डॉक्टर भुजिया गए गांधी से पूछने के लिए, हम क्या करें, गांधी ने बताया कि तुम्हारे मुसलमान दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, तो जाओ उनसे मिलो। लोहिया को लगा कि हम जो है गए काम मांगने के लिए, कोई बड़ा काम देंगे, इन्होंने इतना छोटा काम दे दिया। और जब मुसलमान मोहल्ले में घुसने लगे अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तब उन्होंने वहाँ का जो वातावरण देखा, उनको लगा कि बाप रे बाप, गांधी ने कितना बड़ा काम दे दिया। तो हम लोग ये कम से कम करें,
कि हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं ये लोग अलग अलग कर रहे हैं, हम उनके घरों में जाएं, उनके साथ चाय पिए, उनको बुलाएं अपने यहाँ। ये जो दूरी है, इस दूरी को वो जो बढ़ा रहे हैं उसको हम जो है पाटने का काम करें। एक छोटी शुरुआत जो है इसी रास्ते हम लोग करें। इस तरह से एक छोटा छोटा कार्यक्रम जो है बनाना होगा, जो वो पैदा करना चाहते हैं उसको हम कैसे खत्म करें ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो साथियों, आज शरद जी का राष्ट्रीय जनता दल में स्वागत करते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है, और लालू जी पर इन्होंने विश्वास किया इसके लिए हम इनको धन्यवाद दे रहे हैं। और इधर लालू जी ने भी माने आए थे शरद जी से मिलने, उसके बाद उन्होंने इनका जो अवदान है राजनीति में उस अवदान को उन्होंने कबूल किया सार्वजनिक रूप से। लालू जी अगर शरद यादव नहीं होते तो लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते। हम अपनी आंख से देखे, उसके पहले लीडरों को पोजिशन में भी देखा है, उस समय देखा है। हमको बहुत अच्छा लालू नहीं लगते थे। लालू हमारे साथ जो है विद्यार्थी जीवन में, जब न वो राजनीति में थे न हम राजनीति में थे, तब से हम लोगों का संबंध है, लेकिन हमको लगता था ठीक ठाक ये नहीं। लेकिन शरद जी का हमको याद है, इन्होंने अगर सूता नहीं रोपा होता तब तो राम सुंदर दास मुख्यमंत्री बन जाते। जितने लोग गए थे दिल्ली से, जितने लोग गए थे, सब लोग जो है लेके गए थे ब्रीफ की बनाना है राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री। वहाँ यही अड़े नहीं वोट होगा, वोट से फैसला होगा। उसके पहले अजीत सिंह के साथ जो तीन चार विधायक थे उनको कहते इन्होंने मैनेज किया, यही उन्होंने देखा। तो इनका जो अवदान है इन लोगों की जिंदगी में, हमको तो इनका भी दुर्भाग्य है, एक चेला इनका ऐसा निकला जो पानी पीट के इनके पीछे पड़ गया, नंबर ही खत्म कराया, ये कराना, ये सब जो है बहुत ही उसकी हम निंदा करते हैं। और शरद जी का हम स्वागत करते हैं, हम बोल रहे हैं उनकी प्रशंसा भी हो रही है, थोड़े इनके चेलों की शिकायत भी हो रही है, बहुत अच्छा इनको नहीं लग रहा है, इसलिए हम अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।